एक नहीं, दो नहीं, 15 मुस्लिम देश हो गए हैं दोस्तों जिन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी के इन दो पूर्व प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान को लेकर। एक नहीं, दो नहीं, 15 मुस्लिम देश, और इस फहरिस्त में शामिल हो गया है मलेशिया भी। मलेशिया ने भी इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है और भारत के सामने एक बहुत बड़े संकट के तौर पर सामने उभर कर आ गया है। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। ये इतने बड़े संकट के तौर पर सामने उभर कर आ गया है दोस्तों कि बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं के लिए बाकायदा एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है, एक लंबे चौड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप दूसरे धर्म के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी नहीं करेंगे। यही नहीं, दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक पार्टी के अंदर 36 नेताओं की पहचान की गई है और इन 36 नेताओं के बारे में कहा है कि आप अनाप शनाप बयान नहीं देंगे। बड़ा प्रश्न ये कि क्या ये भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक लम्हा है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब तक पिछले 8 सालों में जगह जगह पर जिस तरह की नफरती सियासत का परिचय देती आई है उसमें एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है? दोस्तों, सरकार इस मुद्दे को लेकर किस कदर चिंतित है कि उसने बाकायदा सोशल मीडिया के अंदर जो मुस्लिम आवाजें हैं उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया है कि वो देश के बारे में अच्छा अच्छा कहें। वो अरब देशों से अपील करें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और एक या दो व्यक्तियों की आवाज जो है वो पूरे भारत की आवाज नहीं हो सकती। आज मैं आपके सामने एक निहायत ही एक्सक्लूसिव जानकारी पेश कर रहा हूं दोस्तों। आपके स्क्रीन्स पर देख सकते हैं आप, ये पूरा जो एक दस्तावेज है, ये दस्तावेज भेजा गया है सोशल मीडिया के अंदर कई मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स को, कई मुस्लिम शहरों को, और उनसे यह अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर आप अपने हैंडल्स के जरिए अरब देशों से अपील करें। मैं आपको बाकायदा एक हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहूंगा अंग्रेजी में और फिर मैं उसका तर्जुमा करूंगा, मगर इसे पढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। इसमें जो जो बातें कही गई हैं भारत के बारे में, हर बात सच है। यह बात कही गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये बात भी कही गई है कि एक या दो व्यक्तियों की राय पूरे भारत की राय नहीं हो सकती है, मगर बीजेपी सरकार को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को, इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि नुपुर शर्मा तो आप ही की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी ना, और बात सिर्फ नुपुर शर्मा की नहीं है, आपके इन तमाम प्रवक्ताओं पर निगाह डालें, संबित पात्रा, गौरव भाटिया, प्रेम शुक्ला, ये वो तमाम नेता हैं जो अनाप शनाप बयान बोलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा मैं आगे जाकर करूंगा, प्रवक्ताओं पर आप लगाम लगा दोगे, मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स से आप अपील कर लोगे कि आप अपने हैंडल्स के जरिए देश की तारीफ करें, अरब देशों में अपील करें, मगर न्यूज चैनल्स का क्या कीजिएगा? न्यूज चैनल्स पर सख्ती होगी या नहीं होगी? भाजपा का एक पसंदीदा शब्द है सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी जी से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप न्यूज चैनल्स की नफरत पर कब सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे बताइए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो ये न्यूज चैनल्स पहुंचा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वो दस्तावेज जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया, उस दस्तावेज में किस तरह से मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स से अपील की जा रही है कि वो अरब देशों में अपील करें। ये जो दस्तावेज है, मुझे मेरी एक दोस्त हैं जो पत्रकार नहीं है, सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे ये दस्तावेज मिला है। इसमें क्या अपील की गई है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। डिटेल्स अबाउट करंट कोलैबोरेशन, ये एजेंसी पैसे के बदले में इन मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स से कोलैबोरेट करना चाहती है, साझेदारी करना चाहती है।
इसमें लिखा गया है कि थ्रू दिस कोलैबोरेशन विद यू यूजिंग द टोनैलिटी एंड द ह्यूज फॉलोइंग हु ट्रस्ट इन यू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू योर ओपिनियन वी अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे द ऑथेंटिक सेक्युलर इमेज ऑफ इंडिया बाय प्रोजेक्टिंग द फैक्चुअल वैल्यू सिस्टम बाय विच द कम्युनिटी इज गवर्न्ड एट द कंट्री लेवल वी वॉन्ट टू पोर्ट्रे दैट अ सिंगल पर्सन कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेंटिमेंट्स ऑफ अ नेशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट There are individuals from the community who are career oriented and have been pursuing their goals religiously. जैसे मैंने आपको बताया, इसमें बाकायदा ये लिखा गया है कि दो या तीन लोग देश की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते. कुछ लोग ईमानदारी से अपना काम भी कर रहे हैं, विदेशों में अपना काम कर रहे हैं. इसलिए आपसे अपील की जाती है, इन मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स से अपील की जाती है कि आप अपना प्रभाव का इस्तेमाल करें देश के बारे में एक सकारात्मक छवि पेश करने के लिए. इसमें इन मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स से यह भी कहा गया है कि भारत किस तरह के संकट का सामना कर रहा है और बाकायदा पॉइंट्स के जरिए यह पेश किया गया है. देखिए, इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस. भारत एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. मेजर ओआईसी नेशंस आर बॉयकॉटिंग इंडियन ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो नेशंस हैं वो भारत के उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं. आगे, प्राइस इन्फ्लेशन ऑन ऑयल ट्रांसपोर्ट. तेल के परिवहन में जो दामों में बढ़ोतरी आ रही है. इंडियंस वर्किंग इन ओआईसी नेशंस लूजिंग जॉब्स. भारतीय जो इन इस्लामिक देशों में काम कर रहे हैं वो अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं. It will lead to GDP taking a huge hit on the account of the trade restrictions. भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर जबरदस्त असर पड़ेगा दोस्तों. Crime rates will increase because of economic burden. इसके चलते भारत में अपराध बढ़ जाएगा क्योंकि नौकरियां नहीं होंगी. वहां से लोग जब वापस आ जाएंगे तो आप सोच सकते हैं. और यही नहीं, इन तमाम मुस्लिम देशों से जो दबाव आएगा वो अप्रत्याशित होने वाला है. और अंत में, शटिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग ऑन बोथ द बॉर्डर्स साइड. तमाम संस्थाएं बंद होती जाएंगी, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, इसका नुकसान होगा. बाकायदा इस अपील, इस दस्तावेज में यह अपील की जा रही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है. मैंने कार्यक्रम में आपको बताया दोस्तों कि बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए भी एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको देना चाहता हूं जो एनडीटीवी में आई थी. अब केवल आधिकारिक प्रवक्ता और पैनलिस्ट ही टीवी चैनल्स की डिबेट में जाएंगे. इन्हें पार्टी का मीडिया सेल असाइन करेगा. किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है, धर्म के पूजनीयों और प्रतीकों के बारे में नहीं बोलना है, संयमित भाषा का प्रयोग करना है. मेरा सवाल, क्या यह अजीबोगरीब बात नहीं है कि देश की सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी 8 साल सत्ता में आने के बाद उन्हें इस तरह के दिशा निर्देश पार्टी के प्रवक्ताओं को देने पड़ रहे हैं? ये बातें तो आपको कहनी ही नहीं चाहिए. दूसरे धर्म की तौहीन ही नहीं होनी चाहिए. और यही मेरी अपील, मुस्लिम पक्ष की ओर से जो लोग अनाप शनाप बयान देते हैं उनसे भी है कि कृपया इस तरह की टिप्पणियां देना बंद करें. इसकी मिसाल मैं आपको आगे दूंगा. यही नहीं दोस्तों, करीब 38 नेताओं की पहचान की गई है जो अक्सर धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं. भाजपा के अंदर कुछ मंत्री हैं, कुछ सांसद हैं. और ये कौन कौन नेता हैं आपके स्क्रीन पर एक एक करके, अनंत कुमार हेगड़े, शोभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह, तथागत रॉय, प्रताप सिम्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सैनी, साक्षी महाराज और संगीत सोम. दैनिक भास्कर क्या कहता है आपके स्क्रीन्स पर, भारत ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान की है. इनमें से 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी गई है. इनसे कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन लें. सीधी सी बात दोस्तों, अगर ये सब पार्टी के संविधान में पार्टी ने बहुत पहले ही तमाम चीजें कही गई होती तो ये चीजें नहीं आती उभर कर. इतना बड़ा बवाल नहीं होता, भारत के सामने इतना बड़ा संकट पैदा नहीं होता. मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं. मैं ये विश्वास करना चाहूंगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी बदलना चाह रही है, बीजेपी सरकार बदलना चाह रही है. चाहे वजह जो भी हो, चाहे वजह यही हो कि अडानी, अंबानी और रामदेव के धंधों पर मार पड़ रही है.
चाहे वजह यह भी हो सकती है कि भारत की इकोनॉमिक हालात और बदतर हो जाएंगे, और जैसा कि मैंने आपको वो दस्तावेज दिखाया था, भारत के जहन में यह डर है कि अपराध देश के अंदर बढ़ जाएगा क्योंकि नौकरियां ही नहीं रहेंगी। हमारे सामने श्रीलंका की मिसाल है। श्रीलंका में हालात इतने बदतर हो गए थे कि लोग सड़कों पर उतर आए थे। वहां के राष्ट्रपति को भागना पड़ा था और सेना उन्हें संरक्षण दे रहा है। हालात इतने बदतर थे वहां। भारत के सामने श्रीलंका की भी मिसाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी संजीदगी से यू टर्न कर रही है, मगर उससे पहले मेरा बड़ा सवाल, आप अपने पार्टी प्रवक्ताओं पर अंकुश लगा रहे हैं, आपने मुस्लिम इन्फ्लुएंसर से भी अपील की कि देश के पक्ष में बात रखें, मैं देश के पक्ष में बात रखूंगा, अपने इन कार्यक्रमों के जरिए मैं देश की ही बात करता हूं, देश की हकीकत लाता हूं, मगर बड़ा प्रश्न, क्या आप इन न्यूज चैनल्स पर लगाम लगाएंगे? एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। आज तक न्यूज चैनल में यहां डिबेट हो रही है, इसमें आप देख सकते हैं एक मुस्लिम, सो कॉल्ड मुस्लिम धर्म गुरु है और एक हिंदू धर्म गुरु है। डिबेट का स्तर इतना घटिया है मैं आपको बता नहीं सकता हूं। जो हिंदू धर्म गुरु है वो सो कॉल्ड मुस्लिम धर्म गुरु को आतंकवादी बता रहा है, अनाप शनाप बातें कर रहा है। मैं ये समझ नहीं पाता हूं इन लोगों को बुलाने की जरूरत क्या है। और अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इनमें जो आपको मुस्लिम चेहरा दिखाई दे रहा है, इनके बारे में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने पड़ताल की, और मैं जो आपको बात बता रहा हूं मोहम्मद जुबैर की पड़ताल के आधार पर बता रहा हूं। मोहम्मद जुबैर का दावा है कि ये जो शख्स है वो दरअसल एक मुस्लिम धर्म गुरु या मुस्लिम मामलों में एक्सपर्ट नहीं है, साजिद रशीदी जो है वो ट्रैवल एजेंट है। अब इनके कई चेहरे हैं राजनीतिक तौर पर, यहां आप देखिए कई मुस्लिम उलेमाओं के साथ जो हैं या एक्सपर्ट्स के साथ वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। 2015 के चुनावों में ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं कि ये भाजपा के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, भाजपा के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। उसके बाद वहां दाल नहीं गली है, जो भी बात हुई, अब वो अरविंद केजरीवाल के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस तरह से ईमान बलता है, कभी भाजपा कभी अरविंद केजरीवाल। और जैसे मैंने कहा, ऐसे कोई प्रमाण नहीं है जैसे कि मोहम्मद जुबैर ने अपनी फैक्ट चेक के जरिए बताया कि यह शख्स मुस्लिम धर्म गुरु भी है। तो बड़ा प्रश्न, न्यूज चैनल्स ऐसे लोगों को क्यों जगह देते हैं? क्या ये इस्लाम का पक्ष दुनिया के सामने रखेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इन मुस्लिम चेहरों को न्यूज चैनल्स में जाने की क्या जरूरत है, जबकि न्यूज चैनल्स में डिबेट्स के जो नियम है वो इस तरह से गढ़े जाते हैं कि वो विपक्ष के खिलाफ हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं और उन लोगों के खिलाफ हैं जो सत्ताधारी भाजपा से सवाल करते हैं, फिर भी ये क्यों जाते हैं? और न सिर्फ जाते हैं, इन डिबेट्स में जाकर ये लोग अनाप शनाप बयान देते हैं। मसलन ये शख्स मौलाना शरफुद्दीन, जुबैर की पड़ताल के मुताबिक मौलाना शरफुद्दीन की खोज की थी रिपब्लिक के संपादक अर्नब गोस्वामी ने। जैसा कि पता चलता है, यह आदमी कहीं पर भी आ जाता है और यह आदमी लगातार न्यूज चैनल्स पर आकर हिंदू धर्म के बारे में अनर्गल बातें कहता है। मसलन ये जी न्यूज में आया था, इसने शिवलिंग के बारे में निहायत ही आपत्तिजनक बात कही थी। मैं समझना चाहता हूं इस आदमी का एक रिकॉर्ड है, ये इसी तरह की बयानबाजी करता है। एबीपी न्यूज में आया, एबीपी न्यूज की एंकर के बारे में अब शब्द कह रहा था। इसी तरह से तमाम न्यूज 18 में, देखिए न्यूज 18 में आया, न्यूज 18 में इसने धर्म के बारे में अनाप शनाप बातें कही। यही नहीं, टीएमसी की सांसद नुसरत जहां ने जब पद और गोपनीयता की शपथ ली थी साड़ी पहनकर, तब इसने कहा था, जैसे कि इंडिया टुडे की खबर कह रही है, मुस्लिम क्लेरिक्स स्लैम टीएमसी एमपी नुसरत जहां फॉर हिंदू अटायर फॉर स्वेयरिंग इन सेरेमनी। ये उन लोगों में से था जिसने नुसरत जहां के साड़ी पहनने पर आपत्ति दर्ज की थी। आप सब जानते हैं दोस्तों कि हिंदू भी सलवार कमीज पहनता है, मुस्लिम महिलाएं भी साड़ी पहनती हैं। अरे बांग्लादेश के अंदर, जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र है, वहां पर बड़ी तादाद में वहां की बांग्ला भाषी मुस्लिम महिलाएं साड़ियां पहनती हैं।
मगर ये लोग पहनावे के आधार पर भी हम में मतभेद पैदा करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों को आखिर जगह क्यों मिलती है न्यूज चैनल्स में? इसलिए मैं जो शुरू में कह रहा हूं उस पर दोबारा जाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन न्यूज चैनल्स पर आखिर आप कब लगाम लगाएंगे? क्योंकि देखिए, प्रवक्ताओं पर लगाम लगाना, लोगों से अपील करना कि वो भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, वो एक अलग बात है। मगर जब तक ये जहर न्यूज चैनल्स में चलता रहेगा, भारत की छवि बदनाम होती रहेगी, और जैसा ढर्रा चल रहा है वो चल रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। आपको इन न्यूज चैनल्स पर लगाम लगानी होगी। हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं। न्यूज 18 के इस पत्रकार के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन FIR दर्ज हुई थी। क्यों? क्योंकि इसने अलवर के अंदर जब एक 300 साल पुराना मंदिर बनाया था उसके बारे में झूठी जानकारी दी थी, अनर्गल बातें कही थी, भड़काऊ बातें कही थी। यही आरोप टाइम्स नाउ नव भारत पर लगा था। ये काम ये लोग रोज करते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, अपने कार्यक्रमों में भड़काऊ बातें लगातार करते हैं। मोदी जी से मेरी अपील, अगर आप चाहते हैं देश की छवि बेहतर हो, अगर आप चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बना रहे, अगर आप चाहते हैं कि इतिहास में आपका नाम सकारात्मक तरीके से दर्ज हो, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इन न्यूज चैनल्स पर लगाम लगाइए, इनके लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट लाइए कि इस तरह के जहरीले कार्यक्रम ये लोग ना करें। बुलाइए उन संपादकों को अपने दफ्तर में और लताड़ लगाइए इन्हें। यह नहीं हो सकता कि अपने वोट्स के लिए आप इसको बढ़ावा देते रहें, मगर दूसरी तरफ आप यह उम्मीद करें कि देश की छवि को भी नुकसान ना पहुंचे। ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। हमें इसमें सुधार लाना होगा, अब वक्त आ गया है, वरना भारत को आने वाले दिनों में क्या नुकसान होगा उसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।